हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार में राजनीति का खेल जो है वो बड़े अजब गजब तरीके से चल रहा है। एनडीए के अंदर अजीबोगरीब दरार पैदा हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में तो एनडीए के साथ है, लेकिन बिहार में नहीं है। बिहार में एलजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में हालात अजीब हो गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि उसके पोस्टर पर मोदी का चेहरा हो, जबकि बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इस बीच बीजेपी से बे टिकट कई नेता चिराग पासवान की पार्टी से टिकट पाने के जुगाड़ में जुट गए। ये तस्वीरें देखिए। लोक जनशक्ति पार्टी के इस पोस्टर को लेकर बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी के उम्मीदवार थे तब प्रधानमंत्री बने, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके नाम पर वोट कैसे मांग सकता है। पहले राजेंद्र सिंह और फिर रामेश्वर चौरसिया। बिहार में बीजेपी के दो खाटी नेताओं को चिराग पासवान का साथ पसंद है। वो अब लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए हैं। अब तो पार्टी में जो आ जाता है उसको टिकट मिल जाता है। आज आया, टिकट मिल गया, चाहे वो कोई भी हो। और जो पुराने लोग हैं दरकिनार किया जाता है, जिससे कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष है। दूसरी बात, जो 15 साल से नीतीश कुमार जी का चेहरा है, अब वो चेहरा पब्लिक देखना नहीं चाहती है। आप सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जिस तरह से बीजेपी के बागी नेता चिराग के कैंप में जा रहे हैं, ये खतरनाक ट्रेंड है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार को हो सकता है। अब जरा बिहार में नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं के खेल को समझिए। बिहार में चिराग पासवान एनडीए से बाहर हैं, लेकिन दिल्ली में वो साथ हैं। चिराग पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देगी। इस बात पर जेडीयू और बीजेपी के अंदर ही अंदर तनाव है। चिराग पासवान को लेकर बीजेपी को हर दिन सफाई देनी पड़ रही है। जेडीयू के नेता इस मुद्दे पर अभी मुखर नहीं है, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता। वैसे ही राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे अभी? मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, और देशवासी होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री की बातों को जनता के समक्ष रखना मुझे लगता है किसी भी भारतीय का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। हमारे 40 स्टार प्रचारक हैं और हमारा नंबर वन स्टार प्रचारक माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं है, और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का उपयोग केवल एनडीए के ही गठबंधन दल के लोग कर सकते हैं, वही जो हमारे गठबंधन दल के सहयोगी है वही कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी प्रयोग करेगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी FIR लॉन्च करेगी। बिहार में एनडीए से चिराग पासवान बाहर हैं। बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी की पार्टियों का गठबंधन है। बीजेपी ने चिराग को चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के फोटो का इस्तेमाल करने से मना किया है, लेकिन इतनी कड़वाहट और अविश्वास के बावजूद रामविलास पासवान मोदी सरकार में मंत्री बने हुए हैं। इसीलिए तो बीजेपी पर चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार पर निशाना लगाने के आरोप लग रहे हैं। देखिए, चुनाव है तो बात सीट बंटवारे को लेकर भी होती है। बीजेपी ने कल मुकेश साहनी को VIP को 11 सीटें दी है। इस लिहाज से बीजेपी बिहार में खुद 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश साहनी वही नेता हैं जिन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन छोड़ने का ऐलान किया था। किसी ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, लेकिन इस देश में हमारे पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है, उन्होंने मल्ला का बेटा को पीठ में मलहम लगाने का उन्होंने काम किया, इसके लिए मैं सदा आभारी व्यक्त करूंगा। पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ने वाले ये वही मुकेश सहनी हैं जो महागठबंधन से अलग होकर अब बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए के साथ हैं। एक दिन पहले जब एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान किया था तो VIP पार्टी की सीटों की संख्या का जिक्र नहीं था। आज तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी ने अपनी 121 सीटों में से 11 सीट VIP को दी है, और इसी के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा पूरा हो गया। जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का उपयोग केवल एनडीए के ही गठबंधन दल के
लिस्ट कर सकते हैं, वही जो हमारे गठबंधन दल के सहयोगी है वही कर सकते हैं, उसके बाहर अगर कोई भी प्रयोग करेगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी FIR लॉन्च करेगी। अब विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन में चार पार्टियां शामिल हैं, JDU और BJP के बीच 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ और BJP ने आज VIP सीट को 11 सीटें देने का ऐलान किया। साथ ही साथ VIP को विधान परिषद की सीट देने का वादा भी किया गया है। BJP से सीटों के फाइनल बंटवारे के बाद VIP के मुखिया मुकेश सहनी ने BJP और PM मोदी की तारीफ में खूब लच्छेदार बातें कही। 15 में भी हम NDA का पार्ट रहे और उसके बाद कुछ ही दिनों के लिए हम दूसरे रास्ते पे कह सकते हैं कि भटक गए थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अपने सही जगह पे हम आए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और जो हमारी लड़ाई है खास करके निषाद समाज का जो आरक्षण की लड़ाई है, निश्चित तौर पे हम माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ को मजबूत करते करते हम चाहेंगे कि अब हमारे जो समाज है उनको मजबूती का प्रदान कराए। महागठबंधन को छोड़कर आए सहनी के मन में महागठबंधन को लेकर काफी खटास है, उनकी बातों में वो साफ साफ ही नजर आया। खुशी है कि किसी ने हमें खंजर भोंका है और किसी ने हमारे पीठ में मलहम लगाने का काम किया है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। मैं NDA का पार्ट हूँ और NDA में आने वाले समय में सरकार बने या जहाँ पे भी जो भी जवाबदेही हमें मिलेगा वो जवाबदेही को निर्वाह करेंगे।